ऐसा है कि हमारे एक व्यूअर ने कहा कि तरुण जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है आप नॉन वेजिटेरियन पे नॉन वेजिटेरियन डिशेज ही सिखाए जा रहे हो, तो हमने कहा ठीक है आपको इस बार एक वेजिटेरियन डिश सिखा देते हैं। अगर आपने कभी रेस्टोरेंट के मेन्यू में जाके नोटिस किया हो वेज जलफ्रेजी और आज तक ये नहीं समझ पाए हो कि ये डिश का नाम वेज जलफ्रेजी क्यों है या ये डिश आई कहां से है, तो ये एपिसोड देखने के बाद आपको इसकी कहानी भी पता चल जाएगी, आपको घर में बनाना भी आ जाएगा और आप इस डिश को ज्यादा चाव से खाने भी लगेंगे। सो बांग्ला में झाल का मतलब होता है स्पाइसी, यू नो, झाल, खूब झाल है। तो पहले के ब्रिटिश घरों में क्या होता था, चिकन रोस्ट वॉज अ कॉमन थिंग, रोस्ट बनता ही था, और जब चिकन बच जाता था तो बाद में वो यूजेबल नहीं रहता था, बहुत ड्राई हो जाता था। तो ये जो ब्रिटिश घरों में कुक्स होते थे और जो मेम साहब होती थी, क्योंकि साहब तो चले जाते थे अपने काम पे और मेम साहब रह गई और कुक रह गए उनके, तो उनके बीच में एक्सपेरिमेंट्स होते थे, खाने के एक्सपेरिमेंट्स होते थे, और जो खाने के एक्सपेरिमेंट होते थे उससे निकली ये एंग्लो इंडियन क्यूजीन, ये एंग्लो इंडियन डिश वेज जलफ्रेजी, कि चिकन हुआ या कोई भी मीट हुआ बचा हुआ उसको आप श्रेड कर दीजिए, थोड़ी सी सब्जियां लीजिए, टमाटर लीजिए, टॉस करिए, स्टर फ्राई करिए, वो एक जूसीनेस उसमें वापस आ जाएगी और सब कुछ मिला जुला के जो बनेगा वो कहला दिया जाएगा जलफ्रेजी, क्योंकि उसमें जाएगा सॉल्ट, पेपर, थोड़ा झाल आएगा, जूसी होएगा, खाने लायक हो जाएगी, बहुत टेस्टी हो जाएगी। चलिए बनाते हैं वेज जलफ्रेजी। तो मेरे वेजिटेरियन बंधुओं के लिए और बहनों के लिए आज मिक्स वेज जलफ्रेजी, बट ये जो मिक्स वेज जलफ्रेजी है ये रेस्टोरेंट वाली नहीं है, ये अंग्रेजों वाली मिक्स वेज जलफ्रेजी है। अंग्रेज तो उसे चिकन में बनाते थे, हम आपकी कमेंट्स और आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग उसको मिक्स वेज बना रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देसी घी से। हाँ जी, अंग्रेज भी घी और बटर का इस्तेमाल बहुत करते थे और हम लेंगे सबसे पहले देसी घी एक अच्छी क्वांटिटी में, लगभग 2 बड़े चम्मच देसी घी ले लीजिए। घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा जीरा, लगभग 1 बड़ा चम्मच जीरा। इसका जो बेस फ्लेवर है ना सब्जियों में वो आएगा घी, बटर और जीरे का ही। बहुत ज़्यादा मसाले यूज नहीं करते थे अंग्रेज, बहुत जुडिशियल थे एंग्लो इंडियन क्यूजीन में, तो जीरा हल्का सा क्रैकल हो जाए तो इसके बाद इसमें ऐड होगा प्याज, चॉप किया हुआ प्याज, और इसको हम हाई फ्लेम पर ही करना है। हमें बहुत ज़्यादा सब्जियों का ना भरता नहीं बनाना है, स्ट्यूइंग नहीं करनी है, हाई फ्लेम पर करना है। थोड़ा स्मोकी रखेंगे, थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे, साथ साथ में प्याज जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लगभग 2 चम्मच, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे तब तक जब तक कि जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल चला ना जाए। एक बार रॉ स्मेल चला जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे कसा हुआ टमाटर। जी हाँ, प्यूरी नहीं डालनी, चॉप नहीं डालना, चॉप आप चाहें तो डाल सकते हैं, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट ट्रेडिशनली कसा हुआ टमाटर। सो कसा हुआ टमाटर हमने इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे और हम इसे थोड़ा सा ढक देते हैं, पकने छोड़ देते हैं हाई हीट पे ही। चिंता मत करिए जलेगा नहीं, टमाटर है, टमाटर का पानी इतनी देर होल्ड कर लेगा। 5 मिनट इसको हाई हीट पे ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद एक बार चेक करते हैं, ये देखिए टमाटर का पानी गया, जला नहीं है। और अब इसको हम और फास्ट करने के लिए कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूं, टमाटर गलेगा, जूसेस रिलीज करेगा। नमक ऐड करके मिक्स किया, फिर से मैं ढक देता हूं,
अब गैस को थोड़ा हल्का कर दीजिए क्योंकि पानी कम हो चुका है। तो 5 मिनट के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं कैरेट। ये जो कैरेट मैं ले रहा हूं ये इंग्लिश वैरायटी की, वो जो ऑरेंज कैरेट आती है ना, वो उसका सेंटर पार्ट क्या होता है, मीठा होता है। तो वो कैरेट को हमने बड़े बड़े लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है चंक के फॉर्म में। ये कैरेट इसको मिक्स कर दीजिए इसमें, इसके साथ ही इसमें डाल दीजिए मटर। तो इसको मिक्स करके वापस ढकने छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा कैरेट और मटर सॉफ्ट होएंगी, उसके बाद आगे की चीज करते हैं। 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए कैरेट जो है गल चुकी है, मटर साथ साथ में गल रही होगी। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ फ्रेंच बीन्स, धो के हमने लंबी लंबी काट ली हैं। ये फ्रेंच बीन्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी हल्दी, बहुत हल्की सी हल्दी। हमें डिश को कोई पर्टिकुलर कलर नहीं देना, वेजिटेबल्स का जो कलर है वो बरकरार रहना चाहिए, वेजिटेबल्स का टेक्सचर, उनका बाइटिंग नेचर जो है वो बरकरार रहना चाहिए। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा हल्दी नहीं डाल रहे, इसको जस्ट एक क्विक मिक्स कर देंगे। मसाला भी देखिए अच्छी तरह से भुनता जा रहा है। और फिर वापस, अगर आपको लगे ना बीच बीच में कि बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, तो आप जरा जरा सा पानी ऐड करते जाइए, बट बहुत हल्का सा पानी, हमें ग्रेवी नहीं बनानी है। वापस ढकते हैं। सो अब ये जो पक गया है हमारा मसाला, इसके साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च का वाइट पार्ट हटा के, शिमला मिर्च के साथ साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं पत्ता गोभी अगेन, जिसको कि मैंने धो के बड़े बड़े पीसेस में टियर किया हुआ है। इसको मिक्स करते हैं। हाँ, इसके बाद अब इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच बटर। आप घबराइए मत इसके फैट कंटेंट से, ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। कभी कभी थोड़ा सा अच्छा रिच खाना चलता है, तो इसको हम बटर के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर देता हूँ। मिक्स किया। सो ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है, जो सब्जियां गलने में ज्यादा समय लेती हैं वो पहले जाएंगी, जो सब्जियां गलने में कम समय लेती हैं वो आखिरी में जाएगी। तो ऐसी दो चीजें जो आप गलने में कम समय लेती है वो डाल देते हैं। टमाटर के वेजेस, एक टमाटर को 4 भागों में बस बांट देना है, और वो वेजेस हमने इसमें ऐड कर दिए। इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड किया पनीर के क्यूब्स, तो हमने पनीर के क्यूब्स ऐड कर दिए। और अब बस इसको बहुत आराम से मिक्स कर दीजिए। पनीर टूटना नहीं चाहिए, टमाटर का भरता नहीं बनना चाहिए। इसको मिक्स कर दीजिए और ओपन पैन में इसको सिकने दीजिए। जो इसका सिका हुआ मसाले का जो फ्लेवर है जीरे बटर के साथ और सब्जियों के जो अपने जूसेस रिलीज हो रहे हैं उसके साथ बनेगा ये बहुत बढ़िया फ्लेवर। और आखिरी में हम इसमें डालेंगे फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर। ये हमने डाला, इसको बस फाइनल एक मिक्स किया। और वेज जालफ्रेजी बिल्कुल तैयार, एंग्लो इंडियन स्टाइल। सर्व करिए इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, जैसे आप खाना चाहें, बना के जरूर देखिएगा। तो ये थी वेज जालफ्रेजी, हमारे वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए जरूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसी बनी। रेस्टोरेंट के जैसी बनी, रेस्टोरेंट से बेहतर बनी, वैसे बेहतर ही बनेगी। अगेन दिस ब्यूटिफुल शर्ट इज बाय देवलोक सिल्क जयपुर। चेक आउट देयर कलेक्शन इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इन द क्यूजीन ऑफ ब्रिटिश राज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। टेक केयर।